मुजफ्फरपुर जिले में बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार चल रहा था। इसका खुलासा खुद पुलिस ने किया है और भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ कैश समेत कारोबार से जुड़े 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कांटी थाना क्षेत्र दामोदरपुर स्थित एक मकान में मादक पदार्थ का कारोबार चल रहा है, जिसकी जानकारी मिलते ही वरीय अधिकारियों के निर्देश पर डीएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और पुलिस ने छापेमारी कर मौके वारदात से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 28,000 रुपए नकद, 1 किलो स्मैक, 140 ग्राम उजला रंग का पाउडर, 60 ग्राम भूरे रंग का पाउडर, 250 ग्राम लाल रंग का पाउडर, इलेक्ट्रिक वेट मशीन आदि बरामद किया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान पूर्वी चंपारण जिला के हितलाल सिंह व कैश आलम व वैशाली जिला के राजेश कुमार व ब्रजेश कुमार के रूप में की गई है। वहीं एएसपी पश्चिम सईद इमरान मसूद ने छापेमारी में 1 किलो मॉर्फिन जैसा बरामद हुआ है, जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए करीब बताई जा रही है, और साथ ही कैश समेत अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। कल कांटी थाना क्षेत्र से सूचना मिली कि एनडीपीएस के कुछ कारोबारी वहां पे अपना काम कर रहे हैं, तो एसएसपी मुजफ्फरपुर द्वारा एक टीम गठित किया गया और उनके नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी में एक किराए का घर जहां पर दामोदरपुर में वहां रेड किया गया, वहां से नारकोटिक्स ड्रग्स के कारोबारी को गिरफ्तार किया गया, कुछ जो खरीदने आए थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। बरामदगी में हमारे पास करीब 1 किलो के आसपास मॉर्फिन जैसा पदार्थ बरामद हुआ है, जिसकी वैल्यू कम से कम 5 लाख के आसपास लगाई जा रही है। कुछ कैश बरामद हुआ है और उसको ड्रग्स को प्रिपेयर करने का कुछ सामान बरामद हुआ है, वेइंग मशीन बरामद हुई है। इसके बाद हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचना दी, उनकी भी टीम आकर के इंटरोगेट किया और आकर के इसको देखा, मटेरियल को हम लोगों को क्या प्रोसीजर है कैसे गाइड किया, उसके बाद आज इन लोगों को कोर्ट हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। कैसे ऑपरेट? मेनली अपना स्थान बदल बदल के रहते थे, हर 2-3 महीने में अपना किराए का घर बदलते थे और अपना जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई लेते थे अलग अलग ज़िलों से, और यहाँ पे जो नए लड़के हैं जो इस लत के आदि हैं उनसे संपर्क बना करके उनको ये सब सामान बेचते थे। शहरी इलाका में भी कहीं पर इसका तार जुड़ा हुआ है ऐसा कुछ? पूछताछ में आया है कि शहरी इलाके में कई जगह पे इनके खरीदार हैं, जिनके नाम हमने नोट करे हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है। लोगों को पहले से कुछ है क्या? पहले तो इन पे अभी मामला नहीं मालूम पड़ा है, लेकिन पहली बार ही अभी अरेस्ट हुआ है। नहीं, ये अंतर जिला गिरोह तो क्या है, ये जो व्यक्ति पकड़ाया गया है ये मोतिहारी जिला का है, मुजफ्फरपुर में किराए के मकान में रहता है और अपना घर बदल बदल के हर 2-3 महीने में अपना कारोबार इस तरह से ऑपरेट करता है। मुजफ्फरपुर में ही कारोबार चलाते हैं? हाँ, मुजफ्फरपुर में ही चलाता है। मकान मालिक को भी चिन्हित ऐसे लोगों को जो रूम दिए हैं क्या कुछ? हम लोगों ने अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं इस पे के जो भी मकान मालिक हैं वो किराएदारों को पुलिस का वेरिफिकेशन कराएं और क्या काम करते हैं वो हम लोग जा करके स्पॉट पे वेरिफिकेशन करेंगे, उसका आधार कार्ड वगैरह उसका लेंगे, वेरीफाई करेंगे। R9 भारत के लिए परवेज आलम की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर। आज 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भाकपा माले एवं अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए चकाई प्रखंड के दर्जन गांव में पंचायत के पार्टी कार्यालय में किसान विरोधी तीनों कृषि कानून वापस लेने एवं कृषि आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर सभी जगहों पर बाह में काला पट्टी व काला झंडा लेकर विरोध किया। सरौना पंचायत के ग्राम गमहैया के भाकपा माले के प्रखंड सचिव मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में डडवा पंचायत के कोरिया गाँव में खे ग्रामस्थ राज्य पार्षद मोहम्मद सलीम अंसारी नेतृत्व में सरदनी डीह पार्टी कार्यालय में कॉमरेड राधे शाह के नेतृत्व में माधोपुर पंचायत के धमनिया गांव में कॉमरेड शिवन राय के नेतृत्व में भलसुभा पार्टी कार्यालय के कॉमरेड फूचन टूडू के नेतृत्व में बोगी पंचायत के घुटिया गांव में कॉमरेड संजय कुमार राय के नेतृत्व में दोमलपुर पंचायत के चरका गांव में कॉमरेड जयप्रकाश दास एवं कॉमरेड कालू मरांडी के नेतृत्व में बामदाह पंचायत के लोह सिघना गांव में कॉमरेड वासुदेव हासंदा एवं राजकिशोर किस्कू के नेतृत्व में भाकपा माले एवं अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ता ने बाम में काला पट्टी व काला झंडा लगाकर प्रदर्शन किया। सरौना पंचायत के घमैया में भाकपा माले प्रखंड सचिव व किसान नेता कॉमरेड मनोज कुमार ने भी कहा कि 6 महीने किसान आंदोलन को पूरे हो गए हैं और 400 किसान ने अपना बलिदान दिया है इस आंदोलन में, परंतु आज तक सरकार ने किसान के विरुद्ध 3 कानूनों के सवाल पर किसानों से बात करने एवं इस कानून को वापस लेने के सवाल पर कोई भी पहल नहीं की है, उल्टे इस आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रही है। वही जब पूरे देश में कोरोना महामारी से लाखों संख्या में लोगों की मरने की खबर आई थी, परंतु मोदी सरकार ने देश की
की जनता को अपने रहमो करम पर छोड़ दिया। कहीं लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं तो कहीं एम्बुलेंस के अभाव में। वही मोदी सरकार ने मजदूरों के लिए बने 44 श्रम कानून को खत्म कर 4 कोड बिल बना दिए। अंग्रेजी हुकूमत के वक्त में भी इस कानून से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। आज जब महामारी से लोग पीड़ित होकर के कोई व्यवस्था नहीं है तो मजदूर के साथ रोजी रोजगार की समस्या आ खड़ी है। प्रस्तावित बिजली बिल 2020 को वापस लेने की मांग की गई है। घमैया के कार्यक्रम में रोहित यादव, व्यास यादव, सुमो मुर्गू, बोगी पंचायत के घुटिया गांव के सुबोस राय, सकल देव राय आदि सभी उपस्थित रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी काला दिवस पूरे देश भर के अंदर मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज हम जमुई जिला के चकाई प्रखंड में तमाम पंचायतों में अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं, ये जब ये सरकार 2020 में किसानों के विरुद्ध में 3 कृषि बिल लेकर के आई और लगातार देश भर के किसान इस काले कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में लगातार 6 महीने से आंदोलन किसानों का चल रहा है और आज इस 6 महीने के अंत पूरे होने पर आज देश भर में देशव्यापी काला दिवस मनाने की घोषणा की गई है। जब से ये आंदोलन चल रहा है लगातार देश भर के 400 किसानों ने इस आंदोलन में अपना बलिदान दिया है, लेकिन इस निर्लज हुकूमत ने किसानों के पक्ष में एक भी सहानुभूति का शब्द नहीं कहा। उल्टे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी माओवादी, कभी नक्सलवादी कह करके इस किसान आंदोलन को ये सरकार, ये हुकूमत बदनाम कर रहे हैं। दूसरी ओर इस महामारी के वक्त भी 5 राज्यों का चुनाव होना और चुनाव होने के बाद पूरे देश भर के अंदर बीमारी का लगातार बढ़ना, इस बात का ये संकेत है कि इस हुकूमत को जनता से कोई वास्ता नहीं है। इन्हें इनकी कुर्सी प्यारी है और ये कुर्सी के लिए करोड़ों की संख्या में भी अगर जनता का बलिदान हो जाए। R9 भारत के लिए सदानंद कुमार की रिपोर्ट, जमुई। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया, जहां घर से शौच के लिए निकली एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। जब महिला बेहोश हो गई तो उसे मारा समझकर दुष्कर्मियों ने उसे नग्न अवस्था में घर के दूर चौर में बिजली के खंभे से फंदा लटका कर छोड़ दिया। गाँव के लोग जब खेत देखने गए तो एक व्यक्ति ने बिजली के खंभे से महिला को बंधा बेहोशी हालत में देखा। शोर मचाने के बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने महिला को पोल से खोलकर स्थानीय स्तर पर इलाज करना शुरू किया। स्थिति गंभीर देखते हुए उसे अनुमंडलीय अस्पताल सराय में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया, जहां पीड़ित जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। इसी बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने शक के आधार पर एक टेंट पंडाल में काम करने वाले 7 मजदूरों को बंधक बना लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच तफ्तीश शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बनाए गए बंधक लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव के लोग एक शादी समारोह में व्यस्त थे, उसी शादी की तैयारी में टेंट बाजा का काम करने वाले मजदूर भी थे। मंगलवार को अहले सुबह जब घर की बहू शौच के लिए निकली तो टेंट बाजा का काम करने वाले महिला का पीछा करने लगा। जब महिला चौर में शौच करने पहुंची तो सभी ने घेर कर धावा बोल दिया। महिला के गहने और कपड़े जबरन उतारना शुरू कर दिया। महिला ने जब आनाकानी की तो उसके साथ मारपीट और सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम देने की बात बताई जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद कथित आरोपी बेहोश हो चुकी महिला को मृत समझ कर चौर के एक बिजली के खंभे में नंगी अवस्था में फंदा लटका कर छोड़कर चले गए। लोगों को जब इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने बारी बारी से टेंट पंडाल में काम करने वाले 7 लोगों को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। काफी देर तक सभी घटना की तहकीकात करते रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। वही महिला थाना अध्यक्ष सदर अस्पताल पहुंचकर महिला का बयान लेने पहुंची, लेकिन बेहोशी अवस्था होने के कारण बयान नहीं हो सका है। मेरे चाचा की लड़की का, इसके घर पे हम पंडाल जो बनवाए हुए थे उनका सब स्टाफ लोग, मेरे भाभी को देखी गहना जेवर बहुत सारा पहन रखी है। उसके बाद जयमाला हो गया, जयमाले के बाद मेरी भाभी को, भाभी गई खेत निकास के वास्ते, बस भाभी को उधरे ले जाके सारा गहना देवर सब छीन छान लिया। इसके बाद घिसिया के ले जाके पॉल में बांध के हाथ पैर और गला बांध के और बोला जो वस्त्र पूरा खोलो, नहीं खोलेगा तो हम काट के इधर पुल में फेंक देंगे। कितने की संख्या में थे लोग? 2
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवन कुमार। सब कुछ गहना पहन लिया, शादी था घर में, शादी था तो हमको बहु गया परचन के लिए आया, तो हमको बहु खुला गया निकास गया खेत में, अटल ढोस वाला ना चार ठोलर उसको घेर लिया, घेरला के बाद घिसिया के ले गया मकई में, पूरा गहना लूट लिया आ कपड़ा खोल कर उसको टांग दी पोल में, आ कहा कि जे हम आता है फिर बाजा बजाने के लिए, बजा देता है आ तुमको क्या करेगा, पोल में गोर हाथ बांध कर आ तुमको पुल में फेंक देगा। गलत काम ही किया है सर? नहीं गलत तो नहीं बोलता है, बिनंग के लिए पुल में टांग दिया। हाँ कैसे आप लोग को पता चला? दिया देखने को घेर ली, घेर हमको बच्चा ना लाना था, हम बहुत घेरना हमको वही नहीं बैठ लगा, दिया घेरने के लिए तो मकई खेत में पोल था ना कोई में टांग दी, तो वहाँ से हम काट कर खोल कर लाए था घर। रेप नहीं हुआ? पुलिस को सूचना दिए थे? हाँ। क्या हुआ फिर आगे? पुलिस को सूचना दिए थे, पुलिस को आगे अभी नहीं हमको प्रक्रिया बोला है, हम कैसे बता दे। अच्छा उसके साथ नजायज ननक किया है कि किया? तो होश आएगा तब न बोलेगा, अब इसको होश नहीं है तो हम जे देखा है से सही बोलेगा। गाँव का ही लड़का सब है? मतलब 3 किलोमीटर लड़का लोग का नाम मामला ये चकहबी परोड़िया गांव का है, और पीड़िता जो है वो शादी के क्रम में, शादी के दरमियान इसके साथ घटना घटित हुई है। वो शादी में अपने ससुराल में ही थी, और ये पीड़िता जो है अपने ससुराल में रहने के बावजूद, और प्रोग्राम जब हो रहा था शादी का, उसके बाद जब ये अपने गांव में ही अपने घर में ही जब ये अपने बाड़ी गई, अपने बाड़ी में देखी क्या कि शौच करने गई थी, तो वहाँ देखी दो लड़का है, और दोनों लड़का इसके साथ बदतमीजी किया है, और ये अभी बोलने के काबिल नहीं है, बोलने की स्थिति में नहीं है। तो मामला वस्तुस्थिति होश आने पे पता चलेगा, होश आने पर पीड़िता के पता चलेगा। R9 भारत के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट, समस्तीपुर बिहार।